हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कैंडल वैक्स रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि उनके मन में क्या चल रहा है आपके लिए, यानी कि आपके जो पर्सन हैं, आपके जो लव इंटरेस्ट हैं, जो आपके पार्टनर हैं या जिन पर आपको क्रश है, उस इंसान के मन में आपके लिए क्या चल रहा है हम ये जानेंगे। लेकिन ये रीडिंग, क्योंकि ये कैंडल वैक्स रीडिंग है, ये रीडिंग पूरी तरह से इंट्यूटिव है, कम्प्लीटली 100% इंट्यूटिव रीडिंग है। यहाँ जो भी मोस्ट ऑफ द मैसेजेस जो भी हैं वो मेरी इंट्यूशन पर डिपेंड करते हैं कि जो जो इंट्यूटिवली फील होता जाएगा और जो यहाँ कैंडल वैक्स के जो भी शेप्स और साइजेस होंगे उससे जो मुझे चैनल होगा वो मैं आपको बताऊंगी। तो हो सकता है कि आपकी सिचुएशन के साथ एक्यूरेटली रेजोनेट करे, हो सकता है सिर्फ कुछ परसेंट रेजोनेट करे। तो ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा और ज़बरदस्ती अपने आप को रीडिंग में फिट इन करने की कोशिश मत कीजिएगा। जितना आपके साथ रेजोनेट होता है उतना ही एक्सेप्ट कीजिए एंड लीव द रेस्ट, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। ओके, चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करते हैं आपका भी। हियर वी हैव द मैच बॉक्स, चलिए शुरू करते हैं। और जस्ट अ सेकंड, फाइनली चलिए देखते हैं यहाँ पे हम लोग कि उनके मन में क्या चल रहा है। वेट अ सेकेंड। ओके, सो हियर वी हैव आवर कैंडल, लेट्स सी कि उनके मन में क्या चल रहा है। इसमें हम उनकी करंट एनर्जीज को देखेंगे, उनके करंट फीलिंग्स को भी देखेंगे, करंटली क्या उनके थॉट्स और इंटेंशंस हैं, वी विल लुक इनटू दैट। ओके, देखिए सबसे पहले मैं ये चीज़ कहूँगी दैट ये जो पर्सन है, इनकी जो एनर्जी है इस समय वो स्वीट है, बिकॉज मुझे जो दिख रहे हैं कैंडल के शेप्स और साइजेस जो दिख रहे हैं यहाँ पे वैक्स के, वो ऐसा लगता है कि जैसे फ्रूट्स हैं फ्रूट्स हैं। तो स्वीटनेस मुझे उनकी एनर्जी में इस वक्त नज़र आ रही है कि ये इंसान आपके प्रति काफ़ी स्वीट और काफ़ी जेंटल फीलिंग्स इनकी और एनर्जी है इस समय, काफ़ी स्वीट और जेंटल इनकी एनर्जी है, इनकी वाइब है इस समय आपको लेकर। यस, बट देर इज स्टिल देर लॉन्गिंग फॉर समथिंग, ऐसा लगता है जैसे कोई चांद है और जो अधूरा है, आधा है, उसको पूरा होना बाकी है और ये उस चीज़ के लिए पेशेंटली वेट कर रहे हैं। एंड दे वॉन्टेड टू गेट कम्प्लीट, वो चाहते हैं कि वो जो हाफ मून है वो फुल मून हो जाए। वो चाहते हैं आप लोगों के रिश्ते में जो भी चीज़ें अभी इनकम्प्लीट रह गई हैं, या आप लोगों के बीच अभी बहुत कुछ ऐसा है जो अनफिनिश्ड है, इनकम्प्लीट है, एंड दे वॉन्ट टू कम्प्लीट इट, दे वॉन्ट टू फिनिश इट। मतलब फिनिश्ड एज इन ऐसा नहीं ख़त्म करना है पर कम्प्लीट करना है। अभी उनको आधा अधूरा फील हो रहा है, उनको लग रहा है कि मेरी लव लाइफ ना एक अभी एक ही पहिए पर चल रही है, जबकि दूसरे सहारे की ज़रूरत है। तो यहाँ पर उनको उनकी लव लाइफ में बहुत कुछ इनकम्प्लीट लग रहा है, आप दोनों के रिश्ते में, आप दोनों के कनेक्शन में उनको अभी भी काफ़ी कुछ इनकम्प्लीट लग रहा है और वो चाहते हैं कि कैसे भी करके ये पूरा हो, ये अधूरापन अब कम्प्लीट होना चाहिए। वो नहीं चाहते कि उनकी लव स्टोरी अधूरी रह जाए ऐसा। ओके, ऐसा भी लगता है कि जैसे ये इंसान आपको कोई गिफ्ट देना चाहता है, फ्लावर्स या समथिंग एल्स, कोई स्पेशल गिफ्ट देना चाहते हैं, रोज़ेस देना चाहते हैं, रिंग देना चाहते हैं या कोई और गिफ्ट देना चाहते हैं। हो सकता है आपका जन्मदिन आने वाला है या अभी बीत कर गया है तो देना चाहते थे या दिया हो, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर जन्मदिन भी नहीं है तो भी ये इंसान ना आपको कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं एज अ टोकन ऑफ लव, या अपना प्यार एक्सप्रेस करने के लिए, शो करने के लिए कोई गिफ्ट लेना चाहते हैं, कोई प्रेजेंट आपको देना चाहते हैं एज अ टोकन ऑफ लव। ओके,
या ऐसा यहाँ लग रहा है। आइए आगे और देखते हैं, जैसा जैसा यहाँ पर मैसेजेस मिल रहे हैं। तो करंट इनकी एनर्जी ऐसी है, दे वॉन्ट टू ऑफर यू समथिंग। ओके, दे वॉन्ट टू, व्हाट इज दिस? ओके, मुझे किसी की शॉर्ट हाइट लग रही है। हो सकता है व्यूअर्स आप हैं या आपके पर्सन है, आप में से कोई शॉर्ट हाइटेड पर्सन है, कोई बहुत ज़्यादा टॉल नहीं, शॉर्ट हाइटेड हो सकता है ये आप हों तो वो आपके बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है अगर आपके पर्सन हैं तो वो हो सकते हैं, लेकिन हाँ मुझे कोई एक शॉर्ट हाइटेड पर्सन यहाँ दिख रहे हैं या दिख रही हैं, आप ही आपके पर्सन कोई भी। ओके ओके, तो ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है ना, ये ओके ओके ओके, व्हाट इज दिस? नंबर नाइन काफ़ी यहाँ पर रिलेवेंट लग रहा है, क्योंकि मुझे नंबर नाइन साफ साफ नज़र आ रहा है। तो नाइन से कुछ कोई स्पेशल डेट या कुछ नाइन डेज बाद, नौ दिन बाद, या नौ हफ्ते, नौ महीने, या देर इज समथिंग अबाउट नाइन। ओके, तो नाइन यहाँ पर इम्पोर्टेंट दिख रहा है। यस, ओके, यहाँ पर ऐसा भी लगता है व्यूअर्स, जैसे ये जो इंसान है, ये लेयर्स इनके आगे हैं, यानी कि मास्क पहने हैं, जैसे बहुत सारे लेयर्स से अपने अपने रियल इमोशंस या अपने रियल फीलिंग्स को इन्होंने हाइड करके रखा है। करेंटली वो चाहते तो हैं कि आपका जो रिश्ता है वो पूरा कंप्लीशन तक पहुँचे, यूनियन तक पहुँचे, आगे सब कुछ हो, जो भी चीज़ें अभी अधूरी रह गई हैं वो पूरी हो जाए। और ऐसा भी लगता है कि वो पेशेंस रख रहे हैं इस चीज़ के लिए, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे इस इंसान ने ना लेयर्स से अपने आप को कवर करके रखा हुआ है, यानी कि कुछ लेयर्स से इन्होंने अपनी रियलिटी छुपा ली है, मास्क पहन रखा है। जैसे जैसे वो इनके जेन्युइन इमोशंस हैं उसका सिर्फ 30-35% ही आपको दिखा रहे हैं, जो ओवरऑल इनके इमोशंस हैं या जितने ज़्यादा हैं उतना आपको शो नहीं करते हैं, वो हाइड कर लेते हैं। तो लेयर्स हैं, ऐसा हो सकता है कि अभी भी इस इंसान की फीलिंग्स के बारे में आपको कम्प्लीटली नहीं पता है। आपको आइडिया होगा या थोड़ा बहुत लगता होगा, अट्रैक्शन, लाइकिंग कुछ लगता होगा, लेकिन आपको कम्प्लीटली नहीं पता कि ये इंसान कितना ज़्यादा आपके लिए फील करते हैं या करती हैं, क्योंकि उन्होंने खुद ने दिखाना चाहा, खुद उन्होंने छुपा के रखा। तो लेयर्स हैं, क्योंकि मुझे क्लाउड्स दिख रहे हैं जिससे रियलिटी छिप रही है, जिससे इनकी सच्चाई, इनकी जो भावनात्मक सच्चाई है कि इनका दिल में क्या है, इनके इनका प्यार कैसा है आपके लिए, वो सब छुप रहा है। और वो इंटेंशनली छुप रहा है क्योंकि उसको छुपा के रखना चाह रहे हैं। ओके, ओके ओके, मुझे यहाँ पर ऐसा भी लगता है व्यूअर्स कि ये इंसान दे आर लुकिंग यू फ्रॉम बैकवर्ड्स, ऐसा लगता है जैसे आप पीठ करके खड़े हैं, यानी कि इनकी तरफ आपका चेहरा नहीं, इनकी तरफ आपकी पीठ है और ये सिर्फ आपको पीछे से देख रहे हैं, यानी कि वो ऐसा सोच रहे हैं कि जैसे आप उनसे मुंह मोड़ के खड़े हैं या आप एक अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं जबकि वो आपकी तरफ देख रहे हैं। तो ऐसा लगता है दैट यू आर गोइंग समवेयर एल्स, आप कहीं और जा रहे हैं या किसी और दिशा को, किसी और डायरेक्शन को, किसी और ऑप्शन को चूज कर रहे हैं। ऐसा भी उनको लग रहा है कि ऐसा या तो ना कर लें, किसी और डायरेक्शन को ना चूज कर लें, किसी और पर्सन या ऑप्शन को चूज ना कर लें, या फिर उनको ये भी लग रहा है कि आप शायद उनसे मुंह मोड़ रहे हैं। और वो किस वजह से मुंह मोड़ रहे हैं मुझे यहाँ पर ये चीज़ क्लैरिटी नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे आप पीठ करके खड़े हैं और ये इंसान आपको पीछे से देख रहे हैं, एंड दे आर होपिंग कि आप मुड़ के देखेंगे, आप उनसे प्यार करते हैं तो आप वापस मुड़ के उनकी ओर देखेंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीठ करके खड़े रहेंगे। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे या तो आप नाराज़ हो सकते हैं इस इंसान से, इनके किसी बिहेवियर से, किसी बात से आप गुस्सा हैं, ये भी पॉसिबल है। यस, क्योंकि यहाँ ऐसा लग रहा है कि आप मुंह मोड़ के खड़े हैं, ऐसा इनको फील हो रहा है। हुँ। हुँ।
ऐसा भी हो सकता है व्यूअर्स के रिसेंटली आप लोगों के रिलेशनशिप में या कनेक्शन में कुछ लोगों की वजह से इश्यूज हुए हैं, आउटसाइड इंटरफेरेंस की वजह से इश्यूज हुए हैं, एंड दे डोंट केयर अबाउट दीज पीपल या दीज सिचुएशंस. यानी कि अगर ऐसा कुछ हुआ भी है जहाँ दूसरों की वजह से या थर्ड पार्टी सिचुएशंस की वजह से आप लोगों के बीच में कुछ इशू हुआ था, तो इनके लिए आप मैटर करते हो, थर्ड पार्टी इतना मैटर नहीं करती. इनके लिए इम्पोर्टेंस आपकी ज़्यादा है, वैल्यू आपकी ज़्यादा है. इनको आउटसाइड इंटरफेरेंस से इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, इतना ज़्यादा ये इतना ज़्यादा अफेक्टेड नहीं हुए हैं या इतना ज़्यादा अफेक्टेड नहीं हुई हैं कि ये आपको भूल जाएं या ये आपको जाने दें. कोई कुछ भी कहे, दे कैन नॉट लूज़ यू, दे कैन नॉट अफोर्ड टू लूज़ यू. ये आपको खोना चाहते ही नहीं, खो ही नहीं सकते, जाने देना ही नहीं चाहते. तो चाहे कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस कुछ हो या इंटरफेयर कुछ करे कोई, उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो सकता है, एक बैरियर, एक इशू क्रिएट ज़रूर हुआ होगा, ऐसा हो सकता है. बट दे आर नॉट ओके टू लीव यू, दे आर नॉट ओके टू लूज़ यू. ये आपको खोना नहीं चाहते, ये नहीं चाहती. ओके, फिलहाल के लिए तो मैं यहाँ पर यही इनकी एनर्जी देख रही हूँ. और इनके इमोशंस और एनर्जीज अभी भी स्वीट इसीलिए हैं बिकॉज दे हैव फेथ इन लव. इनको अभी भी अपने प्यार पर विश्वास है. ओके, इनको विश्वास है कि चाहे आप मुंह मोड़ के खड़े हैं लेकिन आप जाएंगे नहीं. इनको विश्वास है कि जो अभी इनकम्प्लीट रह गया है वो पूरा होगा. ये अपना प्यार एक्सप्रेस करेंगे या जो भी करेंगे, आपको अप्रोच करेंगे, आपको गिफ्ट देना चाहते हैं एज अ टोकन ऑफ लव, अपना प्यार एक्सप्रेस करने के लिए. ठीक है, तो ये सब बातें मुझे यहाँ पर इसीलिए नज़र आ रही हैं कि ये इंसान जो है अभी भी बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं. या इवन आई कैन सी अ गिटार. मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये इंसान आपके लिए कोई गाना गाना चाहते हैं या आपको कोई सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं, या कोई सॉन्ग ऐसा है जो बहुत रिलेटेबल है आप लोगों की स्टोरी से, ऐसा लगता है. हो तो रहा है एक सॉन्ग चैनल, लेकिन मुझे नहीं पता कितना रिलेटेबल होगा कि नहीं आपके लिए. जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे, तब से दीवाना हुआ तब से बेगाना हुआ, ऐसा ही सॉन्ग है. ये सावरिया मूवी है जो सोनम कपूर जी की और रणबीर कपूर जी की मूवी है, उसमें ये गाना है कि जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे. तो ये सॉन्ग आप सुन लीजिएगा, शायद रिलेटेबल है ये आप लोगों की सिचुएशन से, क्योंकि चैनल तो यही हुआ है. ओके, एक ऐसा हार्ट दिख रहा है जिसमें बीच में जैसे टूट गया हो और बीच में टेपिंग की गई हो या ठीक किया गया हो, फिक्स किया गया हो. लुक एट दिस. ओके, बीच में इसमें ना दरार सी दिख रही है, एक ब्रेकेज और एक लाइन दिख रही है जिससे पता लगता है कि ये टूटा है दिल और फिर इसको जोड़ा गया है. तो यहाँ पर शायद आपका दिल टूटा है और अब उसे जोड़ने की तैयारी में है आपके पर्सन. ठीक है, ऐसा लग रहा है. या नाउ दे आर ट्राइंग टू फिक्स एवरीथिंग. ये ऐसा लगता है कि अब इनका इंटेंशन ये है करेंटली कि अभी सब कुछ फिक्स करना चाहते हैं. हो सकता है अभी इतनी क्लैरिटी नहीं है कि कैसे करेंगे, क्या होगा, या फिर हो सकता है देखिए कैसे कैंडल्स पाक कर रही है, कैसे आवाज़ कर रही है. डेफिनेटली ये फिक्स करना चाहते हैं, इनको नहीं पता कैसे फिक्स करेंगे, क्लैरिटी शायद अभी नहीं है, लेकिन डेफिनेटली दे वॉन्ट टू फिक्स इट. इंटेंशन अगर मैटर करता है तो इंटेंशन यही है कि जो भी आप लोगों के बीच अगर कुछ बिगड़ गया है, दे रियली वॉन्ट टू फिक्स इट, वो सब कुछ ठीक करना चाहते हैं. ऐसा मैसेज भी चैनल हो रहा है, जैसे ये इंसान कह रहे हो आई कैन फिक्स इट, बिलीव मी आई कैन फिक्स इट, या फिर आई कैन एक्सप्लेन इट. यानी कि जो भी हुआ है उसको वो एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको वो फिक्स कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, वट एवर हैपेंड. तो उनका इंटेंशन भी प्योर है और ऐसा लगता है बहुत पॉजिटिव अप्रोच है, बहुत पॉजिटिव पर्सपेक्टिव और बहुत पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं. उनको आपको खोने का डर तो है, लेकिन फिर भी इनका प्यार पर बहुत विश्वास है. और जो कि मैंने कहा कि इनके लेयर्स हैं यहाँ पर, जिसे सूरज छुप जाता है जब बादल बहुत घने छा जाते हैं, ऐसे ही ऐसा लग रहा था जैसे इस इंसान ने बहुत सारे लेयर्स से अपने जो रियल इमोशंस हैं, जो इंटेंस इमोशंस हैं, उनको हाइड करके रखा है. और हो सकता है जानबूझ के हाइड अगर नहीं भी किया है तो
किसी रीज़न से हाइड करके रखा है, या शायद नर्वस है या शाय है, वट एवर द रीज़न इज, लेकिन हाँ लेयर्स हैं और अपनी पूरी कंप्लीट रियलिटी जो है वो अभी नहीं आपको बताई है ऐसा लगता है। या यहाँ पर कोई शॉर्ट हाइटेड है ये तो है, पर हाँ यहाँ पर काफ़ी लोगों के लिए मुझे लग रहा है एज गैप भी हो सकता है। एज गैप यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है काफ़ी लोगों के, हो सकता है सबके लिए नहीं लेकिन हाँ एक अच्छा खासा एज गैप हो सकता है कुछ लोगों के केसेस में। ओके किसी के घर गुलाब खिले हैं ऐसा लगता है। ये तो किसी के घर गुलाब खिले हैं या ये किसी को गुलाब का फूल कहीं मिला है, आई डोंट नो, बट देयर इज, ऐसा लगता है जैसे गुलाब नहीं तो फूल खिला है किसी के घर में, किसी के गमलों में अगर ऐसे फूल थे, कलियां थी, तो अभी रिसेंटली एक दो दिन में ही ऐसा हुआ है कि फूल वो खिला है, नॉट द पूल, फूल खिला है, ऐसा खब के लिए नहीं लेकिन हाँ ऐसा लग रहा है। तो वो पॉजिटिविटी की शुरुआत है, न्यू होप, न्यू बिगिनिंग एंड न्यू अपॉर्चुनिटी की बात है ये आपके प्यार में। ओके जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पर ऐसा लगता है व्यूअर जैसे डूब रहा है कुछ, कोई शिप, कोई बोट जैसे डूब रही है और ये पूरी कोशिश कर रहे हैं, अपना बेस्ट करने वाले हैं कि ये बोट डूबे ना, ऐसा कुछ। या ओके सो दिस वाज द रीडिंग व्यूअर्स, के यहाँ पर वो करेंटली कैसा फील कर रहे हैं, एनर्जी क्या है उनकी और उनके मन में क्या चल रहा है, उनके मन में फिलहाल ये सब चल रहा है ऐसा लगता है। सो दिस वॉज द रीडिंग, आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल और रिलेटेबल रही है। अगर इस रीडिंग ने आपको थोड़ा भी गाइड किया है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं कितने परसेंट आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करती है, और अगर आप नए हैं सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा। चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय बाय एंजल्स, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।